हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आया है एलमोंटस सिरप। फ्रेंड्स, एलमोंटस सिरप किन किन समस्याओं में दिया जाता है, इसका डोजेस क्या होता है, इसका प्राइस क्या होता है और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो देख रही है एलमोंटस सिरप, इस सिरप को फोर्ट्स इंडिया लेबोरेटरीज कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसका MRP है फ्रेंड्स लगभग 170 रुपया। फ्रेंड्स, इस सिरप को किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस सिरप के अंदर लेवोसेट्रिजिन 2.5 mg दिया गया है और मोंटेलुकास्ट 4 mg दिया गया है। फ्रेंड्स, एक एंटी एलर्जिक सिरप है। फ्रेंड्स, ये छोटे बच्चे के लिए दिया जाता है। फ्रेंड्स, बच्चों का सर्दी रहता है, बच्चों का खांसी रहता है, बच्चों का निमोनिया रहता है और बच्चों के स्किन में एलर्जिक हो गया है। स्किन में एलर्जिक हो जाने के बाद बहुत खुजली होता है और स्किन में स्वेलिंग आ गया है और बच्चों का नाक से पानी बहती है, बार बार सीखते हैं, खांसी है, इन सारे कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सिरप है ये। इस सिरप को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस सिरप के डोजेस के बारे में। 5 साल के नीचे के बच्चे के लिए 2.5 ml करके दिन में एक बार दिया जाता है और 5 साल के ऊपर के बच्चे के लिए 5 ml करके दिन में एक बार खाने के बाद दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस सिरप को लॉन्ग टाइम इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस सिरप का साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है और स्किन में रैशेस आ सकता है और नींद आ सकता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ दिखाई दिया तो इस सिरप को तुरंत बंद करें। फ्रेंड्स, इस सिरप को जब भी इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेके ही इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, इस सिरप को छोटे बच्चे से दूर रखें। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी एलमोंटस सिरप के बारे में। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, टेक केयर।